नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महिला स्व सहायता समूह उन्मुखीकरण एवं संवाद कार्यक्रम मुख्यमंत्री निवास पर किया गया। इस कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित स्व सहायता समूह से जुड़ी प्रदेश भर की महिलाओं से प्रत्यक्ष एवं वर्चुअली संवाद किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि आजीविका मिशन के अंतर्गत 37 लाख से ज्यादा बहनें मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूह से जुड़ी हैं और कई तरह की आजीविका की गतिविधियों का संचालन कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बहनें आर्थिक रूप से सशक्त होकर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। उनको हर संभव सहयोग देने का संकल्प प्रदेश की सरकार ने लिया है और इस साल बैंक लिंक के रूप में 2550 करोड़ रुपए आर्थिक गतिविधियों के लिए उनको मिले, इस बात का फैसला मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। कार्यक्रम में सम्मिलित हुए पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, मंत्री राम खेलावन पटेल, नेहा बग्घा उपस्थित रहे। समूह के साथ संवाद था, मुझे कहते हुए गर्व है कि आजीविका मिशन के अंतर्गत 37 लाख से ज़्यादा बहनें मध्य प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और कई तरह की आजीविका की गतिविधियों का संचालन कर रही है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बहनें आर्थिक रूप से सशक्त होकर अपने पैरों पर खड़ी हो रही है। उनको हर संभव सहयोग देने का संकल्प प्रदेश की सरकार का है और इसलिए इस साल बैंक लिंकेज के रूप में 2550 करोड़ रुपया आर्थिक गतिविधियों के लिए उनको मिले, इस बात का फैसला किया है। अन्य आवश्यक कामों के लिए सरकार भी लगभग 1000 करोड़ रुपया इन समूहों के बाकी गतिविधियों में सहायता के लिए खर्च करेगी ताकि ये तेजी से आगे बढ़ के सशक्त हो सकें। मार्केटिंग पैकेजिंग आजीविका जो पोर्टल हमारा बना है, अनेकों प्रयत्न हम देखिए उनको और आगे बढ़ाना है। फिर हमने ये भी तय किया है कि जो हमारा क्लस्टर लेवल फेडरेशन आजीविका और बहनों की आय के स्तर की वृद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ काम करेगा उसको आर्थिक गतिविधियों के लिए 1 करोड़ रुपया अलग से देने का काम किया जाएगा। स्व सहायता समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए पोर्टल बन गया जिसका काफ़ी लाभ हो रहा है, लेकिन उसके अतिरिक्त भोपाल में आजीविका मार्ट की स्थापना भी हम करेंगे। भोपाल हाट में सभी स्व सहायता समूह के सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे ताकि बीमारी की स्थिति में उनको निःशुल्क चिकित्सा मिल सके। स्व सहायता समूह के उत्पादों को व्यापार बढ़ाने के लिए ऑनलाइन कॉमर्स पोर्टल के साथ लिंकेज किया जाएगा और अलग अलग परियोजनाएं सिंगाड़ा मछली इत्यादि की और बनाई जाएगी और पीडीएस की भी कुछ दुकानों का संचालन स्व सहायता समूहों के माध्यम से किया जाएगा। ऐसे अनेक फैसले किए हैं, लेकिन ये समूह बहनों को आर्थिक रूप से सशक्त कर रहे हैं और सामाजिक परिवर्तन के भी बड़े वाहक बने। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।